विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में लेसन 5 प्राथमिक क्रियाकलाप का पार्ट 1 कर चुके हैं, तो उसमें हमारा ये लेसन लगभग हाफ हो चुका था। तो आज हम कक्षा 12 का ही और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का लेसन 5 का लेसन प्राथमिक जो हमारे क्रियाकलाप है उसका नेक्स्ट जो बचा हुआ भाग है वो कराएंगे। तो इसको हमने पार्ट 2 नाम दिया। वो पार्ट 1 की वीडियो आप जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, उससे समझ लेना। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो हमने पहले थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं कि वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो सीधे पर्यावरण से जुड़ी हैं वो प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। वे मानव की वे सभी क्रियाएं जो जिनसे मनुष्य आय प्राप्त करता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो वे सभी आर्थिक क्रिया, यहाँ पे वार्थिक क्रिया आ जाएगा जब प्राथमिक क्रियाओं का डेफिनेशन देंगे। वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ी है, यानी कि मनुष्य सर्वप्रथम उनका उत्पाद अपने उपभोग में लाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो प्राचीनतम व्यवसाय था मनुष्य का वो आखेत एवं संग्रहण था। ये ही ऐसी सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है मनुष्य ने जो सबसे पहले करना शुरू की थी। उसके बाद पशुपालन, फिर कृषि, मछली पालन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, या अलग से भी आप दे सकते हैं। और मत्स्य पालन हमने वैसे पिछले वीडियो में करा दिया था। खनिज खनन जिसको आप कह सकते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे प्राथमिक क्रियाओं के जिसको हमने पशुपालन मत्स्य पालन। तो आज हम कृषि और खनिज के बारे में आपको कराएंगे, तो मैं इनको रद्द कर देता हूं। अब पहले कृषि करेंगे हम, तो ये पार्ट 2 है। कृषि, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कृषि किसे कहते हैं या कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि को जोतने गोड़ने उसे फसल उगाने की क्रिया की जाती है। तो कृषि का अर्थ है मिट्टी को जोतने, मतलब उसकी हम जुताई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। विभिन्न फसलें एवं फल फूल के साथ तथा पशुपालन की क्रिया, सॉरी कला एवं विज्ञान हम कृषि कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की जुताई की जाती है, निराई गुड़ाई करके उसको तैयार किया जाता है, फसलों को उगाने के लिए उसमें फल फूल फसलें उगाई जाती है, साथ ही पशुपालन भी किया जाता है। तो ऐसी कला या विज्ञान को हम कृषि कहते हैं। तो अब कृषि को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उससे पहले कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को प्रभावित करने वाले
कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, जिनसे कृषि प्रभावित होती है। इसमें तीन मुख्य फैक्टर हैं। नंबर एक भौतिक कारक, नंबर दो सामाजिक, एवं आर्थिक कारक। और नंबर तीन सांस्कृतिक कारक। ये मुख्य फैक्टर है जिनके द्वारा हमारी कृषि प्रभावित होती है। अब भौतिक कारक में क्या क्या आता है? जलवायु। इसमें जलवायु में एक तापमान और दूसरा वर्षा, ये हमारे जलवायु में आते हैं जो कि भौतिक कारक कहलाते हैं। भौतिक भी होते हैं जो सीधे प्रकृति से संबंधित होते हैं। तो किसी स्थान का तापमान कितना है, वहां पे कैसी फसल उग सकती है, वहां पे वर्षा की मात्रा कितनी है, तो ये हमारे भौतिक कारक में आता है। दूसरे नंबर पे है फिर उच्चावच, तो इसमें उच्चावच में भी ऊंचाई, धरातल ऊंचाई, धरातल, और नंबर तीन भूमि का ढाल, यानी कि कोई स्थान समुद्रतल से कितने ऊंचे स्थान पर है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान हमारा घटता चला जाता है, तो वहां पे तापमान भी फिर फैक्टर बन जाता है। तो कोई कितना ऊंचा है समुद्र तल से स्थान, वो भी डिपेंड करता है कि वहां पे कैसी एग्रीकल्चर हो रही है, हमारी कैसी फसलें हो रही है। फिर वहां का धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, मैदान है, पठार है, कैसा है, या फिर भूमि का ढलान कैसा है वहां पे। तो ये हमारे उच्चावच में आते हैं, जिसको स्थलाकृति भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे भौतिक कारक है जलवायु और उच्चावच, इसके सब पार्ट है तापमान, वर्षा, ऊंचाई, धरातल, भूमि का ढाल। फिर आता हमारा सामाजिक एवं आर्थिक कारक उसके बाद। तो इसमें कई फैक्टर हैं, जैसे भू स्वामित्व, कि भूमि पर स्वामित्व किसका, मालिकाना किसका है, जिस जमीन पर कृषि की जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जमीन जिस मालिक की है तो उसमें अच्छी तरह वो जी लगा के मेहनत करके काम करेगा। यदि उसकी खुद की जमीन नहीं है तो उसमें थोड़ा सा उत्पादन में फर्क पड़ जाता है, हो सकता है वो इतनी लगन से कार्य ना करे, या जब उसने बहुवर्षीय फसल लगाई है जो दो तीन वर्षों के लिए है, लेकिन उसका मालिक उसको बीच में छुड़वा लेता है, तो सब इसका असर पड़ता है कृषि पे। तो भू स्वामित्व हो तो वह अपने मर्जी से फसल बो सकता है, लेकिन यदि खुद का भूमि का स्वामी नहीं है तो वह मालिक के अनुसार ही फसल बोएगा, क्योंकि उसको अगले साल भूमि छोड़नी पड़ेगी, तो उसी के अनुसार कृषि करेगा। तो इसमें भी काफी अंतर आता है। फिर है जोत का आकार। साइज ऑफ कल्टीवेशन जिसको आप कह सकते हैं, मतलब जोत कितनी बड़ी है। अगर ज्यादा लंबी जोत है, बड़ी जोत है, यानी कि एरिया ऑफ कल्टीवेशन कितना बड़ा है, वहां पे आप मशीनीकरण का यूज कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर आप खेती कर सकते हैं। लेकिन जोत बहुत छोटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पहाड़ी प्रदेश है वहां पे तो लैंड कल्टीवेशन बहुत ही कम होती है, तो उसमें तो हम मशीनों का प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ये भी हमारी फसल कैसी उगती है डिपेंड करता है जोत के आकार पे। फिर है नंबर थर्ड ऋण सुविधा। आमतौर पर देखा जाता है कि किसानों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो वो बैंक अगर या गवर्नमेंट उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है, वो भी आसान किस्तों पर और कम ब्याज की दरों पर, तो किसान अधिक जोखिम ले सकता है, फसल को अच्छी तरह उगा सकता है। यदि उसके पास ऋण नहीं है, पैसा ही नहीं है, पूंजी नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो सामाजिक और आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है। फिर है नंबर फोर मार्केटिंग, जिसको आप विपणन सुविधाएं भी कहते हैं।
आपने प्रोडक्शन कर लिया है लेकिन आपकी मार्केटिंग नहीं है, तो माल कहाँ पर बेचेंगे आप? मंडिया नहीं है, मंडिया तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो आप अपने माल को कैसे बेचेंगे? तो मार्केटिंग सुविधाएं भी होनी जरूरी है, अन्यथा आपकी फसल प्रभावित होगी। फिर है नंबर 5, शिक्षा का स्तर एवं प्रशिक्षण कि किसानों को फसलों की शिक्षा दीजिए कि किस तरह फसल उगाते हैं, किस तरह हमें उनको ट्रेनिंग दीजिए समय समय पे, तो उससे भी फसल की क्वालिटी में सुधार होगा, उसकी प्रोडक्शन में सुधार होगा। ये फैक्टर भी बहुत अफेक्टिव करता है हमारी एग्रीकल्चर को, शिक्षा का स्तर या प्रशिक्षण। अगर तो वहां पे कोई प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है और अनपढ़ लोग है तो पारंपरिक तरीके से ट्रेडिशनल वे से खेती करेंगे और ट्रेडिशनल वे से ग्रोथ नहीं हो सकती, बढ़ोतरी नहीं हो सकती, उल्टा पर्यावरण को भी नुकसान होगा। फिर है उसके बाद प्रीवेंट के साधन और पूंजी। प्रीवेंट और संचार के साधन किसी भी उद्योग की नाड़ी होते हैं, तो ये भी हमारा कृषि उद्योग ही है, तो प्रीवेंट के साधन हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम कोई बात फिर मार्केटिंग वाले रहती है कि हमारा प्रोडक्शन कर लिया, फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके मार्केट तक पहुंचाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, तो कैसे जमींदार की तो फसल वहां पर खेत में पूरी खराब हो जाएगी। फिर वही पूंजी है, तो पूंजी जैसे बैंकिंग सुविधा में हमने ऋण सुविधा में पढ़ा था, तो ये ऋण सुविधा के अंतर्गत ही पूंजी का प्रावधान है कि भाई पूंजी किसान के पास नहीं है तो उसको ऋण आसान किस्तों पर उपलब्ध कराया जाए, कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाए, यानी उसके पास पूंजी होगी तो वह नई नई मशीनें खरीद सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी प्रयोग कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। तो ये हमारे सामाजिक एवं आर्थिक कारक है जो कि हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक इसमें हमारी टेक्नोलॉजी है जो वो ही हमारा सांस्कृतिक कारक है, क्योंकि मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को अपने बल पे अपने दम पर विकसित किया है, तो जितनी तकनीक होगी मनुष्य के पास उतना ही वह विकास करेगा। प्राचीन काल में मनुष्य के पास तकनीक नहीं थी तो उसका विकास इतना नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति से सीख लेते हुए अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है और आज उसी का परिणाम है कि मनुष्य अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ हो गया है। तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी कृषि को प्रभावित करता है। अब आता है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार इसमें आमतौर पर दो प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि के प्रकार में नंबर 1 जीवन निर्वाह कृषि, और आधुनिक कृषि। एक तो हम जो ट्रेडिशनल वे से खेती करते आ रहे हैं उसको हम जीवन निर्वाह कृषि कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लगभग आज से 12,000 वर्ष पहले मनुष्य ने कृषि करना सीखा था, तो उसी वे से हम कृषि करते आ रहे हैं, तो हमारा पेट भरने के लिए कृषि की गई थी। जो हमारे पूर्वजों ने कृषि करना सीखा था तो हमारे पेट भरने के लिए कृषि करना सीखा था उन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे उसका रूप बदल रहा है, हमारी जरूरतें बढ़ रही है, तो हम अपना पेट भरने के साथ साथ कुछ प्रोडक्शन बेचते भी है जिससे हमारी इनकम होती है, तो वो आधुनिक कृषि का उसने रूप ले लिया है। तो जीवन निर्वाह कृषि के दो रूप है यहाँ पे। नंबर 1 आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि,
जीवन निर्वाह कृषि। दो ही बच्चे आए हैं, एक बार देख ले, देख लो जाके। तो जीवन निर्वाह कृषि यानी कि सीधा सीधा नाम से ही स्पष्ट है कि अपने जीवन चलाने के लिए, अपना पेट की भूख शांत करने के लिए जो कृषि की गई, जीवन निर्वाह कृषि है। इसमें जो हमारे उत्पाद है इसको घर पे ही रखा जाता है, उत्पादों को घर पर ही प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि इसको कोई बेचा नहीं जाता, अपनी जरूरतें ही पूरा की जाती है। तो अब इसके दो रूप बता दिए, आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि। आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि है यानी कि जो परंपरागत तरीके से पिछले 12,000 वर्षों से जो खेती होती आ रही है उसी को आगे बढ़ाना, इसको आप स्थानांतरी कृषि भी आप कह सकते हैं। स्थानांतरी कृषि, आदिकालीन जो जीवन निर्वाह कृषि इसको आप स्थानांतरी कृषि भी कह सकते हैं। ये देश विश्व के विभिन्न भागों में अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मलेशिया में इसको लादान कृषि बोलते हैं, और इसको भारत में जो आसाम साइड है वहां पे जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थानांतरी जैसे नाम से स्पष्ट है कि चेंज होती रहती है, आज यहाँ पे कृषि की है जब वहां पे उपजाऊ शक्ति उसकी खत्म हो जाती है भूमि की, तो फिर नेक्स्ट स्थान ढूंढ लेते हैं और अपना स्थान बदल लेते हैं, तो उसको हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। और इसमें उत्पादों को बेचा नहीं जाता, बहुत कम चांस है कि उत्पाद किसी को बेचने के लिए काम लिया जाता है, सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरे करने के लिए। इसमें ना पूंजी का प्रयोग किया जाता, ना मशीनरी तकनीक का भी प्रयोग नहीं किया जाता, ट्रेडिशनल तरीके से ही अपनी खेती करते हैं, पूरा से आदिम समाज होता है ये। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां पे विश्व के किन किन भागों में स्थानांतरित कृषि या आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। ये जो भूमध्य रेखा का एरिया है ये कृषि इन क्षेत्रों में की जाती है। ये जो भूमध्य रेखा का एरिया है ये भूमध्य रेखा आपकी, तो अफ्रीका का जो एरिया है भूमध्य रेखा के जो दोनों ओर आता है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो एरिया है, और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे ये कृषि की जाती है। इसमें आप पेज नंबर आपका A65 पे भी है, आपकी बुक में जो A65 पेज है उसमें ये मैप भी दिया गया है आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि। तो इसको ये जो भूमध्य रेखा के दोनों एरिया है, दोनों तरफ का एरिया है, इसमें ज्यादातर ये आपकी जो ब्राजील अर्जेंटीना टाइप है दक्षिण अमेरिका में, और अफ्रीका महाद्वीप में सारामस्त के पास, और फिर आपका जो भारत है यानी कि दक्षिणी और पूर्वी एशिया है, तो इसमें ये पूर्व के भाग है। ये यहाँ पे इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे अमेरिका में इनको मिल्का के नाम से जाना जाता है, और अफ्रीका में इनको मसोले के नाम से जाना जाता है इस खेती को, जो कि अर्जेंटीना का जो एरिया है यहाँ पे रोका के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इसको जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, मलेशिया में इंडोनेशिया में इसको लादान कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये एरियाज है इसके आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि के।
उसके बाद आता है गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि जैसे नाम से स्पष्ट, थोड़ा सा गहन मतलब अधिक किया जाता है, लेकिन ये होती यही भी जीवन निर्वाह कृषि है। इसमें कुछ उत्पाद जो बच जाते हैं, सरप्लस जो अधिशेष बच जाता है, उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक चावल प्रधान गहन, चावल प्रधान जीविका कृषि और दूसरी चावल रहित गहन जीविका कृषि। यानी कि वे एरिया जहां पे चावल ज्यादा होता है, तो जिसकी मुख्य फसल चावल है, तो उनको चावल प्रधान गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, और वे एरिया जिनमें चावल नहीं होता है वो चावल रहित गहन जीविका निर्वाह कृषि कराती है। तो इसमें ये एरिया जो मानसूनी एशिया है, जो मानसून के ऊपर निर्भर है पूरी तरह, उस एरिया में ये गहन जीविका जीव निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये आपका मानसूनी, अब आप हिंद महासागर से ऐसे मानसून चलती है, तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया यहाँ पे गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये जो मानसूनी एशिया है, जो यहाँ पे ये गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, इसके दो रूप है, चावल प्रधान जीवन जीविका कृषि और चावल रहित जीविका कृषि। यानी कि जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो वो एरिया में चावल की कृषि की जाती है। इसमें आपका ये तटीय भारत समुद्र, जो तटीय मैदान आगे भारत के, और इधर का एरिया आगे, तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ये एरिया है जो आपका ये चावल प्रधान जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। और इससे ऊपर जो यहाँ पे है, जो कम वर्षा आती है 100 सेंटीमीटर से कम, तो यहाँ पे गेहूं वगैरह की, मक्का वगैरह की, इनकी फसलें ज्यादा की जाती है। तो ये एरिया है जो आपका, ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, A66 पे आपका ये मैप दिया गया है, तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं। अब आता है आधुनिक कृषि, अब आता है आपका आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर, यानी कि हमने नए तरीके सीख लिए हैं जो, तो उसमें किस प्रकार की कृषि की जाती है, इसको तो आधुनिक कृषि के कई रूप है। जैसे नंबर वन है रोपण कृषि, इसको आप नकदी फसलें भी कह सकते हैं। नकदी फसलें यानी कि वो फसलें उगाई जाती हैं जिनसे हमारी इनकम बहुत होती है, एक प्रकार से उनको नगद बेचा जाता है। तो ये खासकर जो उपनिवेशिक सरकार थी, जो जिन्होंने अपने उपनिवेश बना रखे थे एशिया और अफ्रीका में, तो उन देशों ने ये ऐसी कृषि करना अपने लाभ के लिए, जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाय है, रबड़ है, गन्ना है, कॉफी है, तो ऐसी फसलें अपने लाभ के लिए औपनिवेशिक सरकारों ने शुरू की थी, तो उसको आप रोपण कृषि कहते हैं। जो कि पौधा रोप दिया जाता है और 10-15 साल तक चलता रहता है, तो उसको आप रोपण कृषि कहते हैं। नंबर सेकंड है फिर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। जैसे नाम से स्पष्ट है कि विस्तृत
फैलाव है उसका, और वाणिज्य कमर्शियल बड़े पैमाने पर अनाज की खेती की जाती है। तो ये वो एरियाज में की जाती है जहां पे पहले आपने पशुपालन जो देखा था, पशुपालन जहां पे जो वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है उन्हीं एरियाज में ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। यानी कि जहां पे घास के मैदान थे तो आज उन घास के मैदानों पे मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया है। तो जहां पे घास के मैदान थे वहीं पे पशुपालन होता था, वो भी विस्तृत वाणिज्य पशुधन पालन होता था, तो उसी के साथ साथ ही यहाँ पे कृषि करना भी शुरू हो गया है। तो इसको आप इसमें ज्यादातर खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती है। तो ये आपका है A69 पेज पे है, इसका मैप है। तो वो आप बताएं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ कहाँ पे की जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके घास के मैदान है, जैसे अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान है, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान है, यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है, और यहाँ पे डाउंस है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे वेल्ड घास के मैदान है। तो इन्हीं एरियाज में ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। तो इसके बाद आता है फिर आपका मिश्रित कृषि। इसमें इनकी क्या विशेषताएं होती है इस कृषि की, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की, इसमें क्या कि इसमें बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, बड़े पैमाने पर पूंजी और तकनीक का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, मशीनीकरण बहुत ज्यादा इसमें होता है। तो ये कुछ की कुछ विशेषताएं हैं इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। अब इसके बाद आता है रोपण कृषि, सॉरी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का है कि ऐसी कृषि जिसमें पशुपालन भी साथ साथ किया जाता हो। जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो उसी को आप मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि जैसे ये खासकर जो आपका एशिया है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, एशिया के देशों में ये इस प्रकार की मिश्रित कृषि की जाती है। आप अपने भारत में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो हम कृषि भी करते हैं साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं होती है, तो इसमें एरिया कम होता है, इसमें कम क्षेत्र पर पूंजी एवं श्रम के बल पर उत्पादन अधिक लिया जाता है, ये इसकी मुख्य विशेषता होगी। इसमें मिश्रित कृषि का अर्थ तो हो गया कि ऐसी कृषि जिसमें साथ के साथ फसलों के साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इसमें कम क्षेत्र पर पूंजी एवं श्रम के बल पर अधिक उत्पादन भी किया जाता है, तकनीक का भी इसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब है उसके बाद डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, डेयरी मतलब दूध और दूध से बने उत्पादों का ही उत्पादन किया जाता है और उनको बेचा जाता है। पशुपालन इसमें किया जाता है,
पूरी तरह कमर्शियल रूप से पशुपालन किया जाता है। तो यह कृषि यूरोप के जो देश हैं, जो आपके यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उन देशों में बड़े पैमाने पर डेयरी कृषि की जाती है। यहां पे ये कृषि बहुत सफल हुई है और इन देशों में दूध का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा जो उत्तरी अमेरिका का एरिया है, यहाँ पे भी डेयरी कृषि काफी फली फूली है। इसकी क्या विशेषताएं होती है डेयरी फार्मिंग की, कि इसमें दुधारू पशुओं के साथ साथ उनके प्रजनन एवं रोकथाम पर भी बल दिया जाता है। डेयरी फार्मिंग में दुधारू पशुओं के पालने के साथ साथ उनके प्रजनन एवं रोगों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट भूमध्य सागरीय कृषि, नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य सागरीय ऐसी कृषि जो भूमध्य सागरीय जलवायु में की जाती है। तो लाजमी सी बात है कि तो भूमध्य सागर के जो चारों, ये हमारा मेडिटेरियन सी है ये, तो इसके चारों ओर जो कृषि की जाती है, यहां पर ये खट्टे खट्टे रसदार फलों की इस पे खेती की जाती है। तो ऐसी जलवायु जहां जहां पाई जाती है वहां पे ये भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो ये इसका कुछ एरिया इसमें अफ्रीका के नीचे दक्षिणी भाग में भी और अमेरिका के भी दक्षिणी भाग में भी, यहाँ पे भी ये भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इसमें ज्यादातर खट्टे रसदार फलों का ही उत्पादन किया जाता है। फिर है उसके बाद सब्जी एवं उद्यान खेती, सब्जी एवं उद्यान कृषि। सब्जी मतलब वेजिटेबल जो भोजन के साथ साथ सब्जी बनाते हैं, तो ऐसी कृषि खासकर नगरों के साथ साथ के एरियाज में की जाती है। और उद्यान कृषि यानी कि जिसे फल, सब्जी में तो फल और सब्जियां आ गई, उद्यान में फूल आ गए, फूल फूल फूलों की भी खेती की जाती है, तो उसको उद्यान कृषि यानी कि बाग लगाते हैं। तो यह इसको आप ट्रक कृषि भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका माल भर के ट्रक में भर के मंडियों तक ले जाया जाता है। तो ये नगरों के समीप की जाने वाली कृषि है, ताकि कम समय में हमारा प्रोडक्शन है वो शहर मंडी तक पहुंच सके और वो माल खराब ना हो। तो फिर आती है सामूहिक कृषि, सामूहिक इसके दो रूप हैं, एक कोलखोज और दूसरा है सोखोज। ये रूस में ज्यादा प्रचलन में आई है कृषि। इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, बहुत ही इसमें लगभग 6000 हेक्टेयर के खेत इसमें तकरीबन औसत पाए जाते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार न होकर सरकार या समाज का अधिकार होता है, तो इसी को ही सामूहिक कृषि
कहते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कोर खोज में और सौ खोज में कि इसमें जो भूमि का एक टुकड़ा किसान को दे दिया जाता है ताकि वो अपनी जरूरत की फल सब्जी वगैरह उगा लिए जाए, लेकिन सौ कोज में वह भी नहीं दिया जाता और इसमें किसान को सैलरी के तौर पर वेतन मिलता है और उसको अन्य कोई लाभ नहीं मिलता, उसको सैलरी ही मिलती है। तो ये बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि है जो की खासकर रूस में सफल हुई है। अब है फिर सहकारी कृषि। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, कोऑपरेट करा आपस में, यानी कि पांच किसान छह किसान दस किसान मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं और वह अपनी जमीन को इकट्ठा ही जोतते हैं, अपने उनके पास जो भी संसाधन होते हैं उनको सभी को इकट्ठा ही यूज करते हैं, एक दूसरे का वो कोऑपरेट करते हैं, तो इसको आप सहकारी कृषि कहते हैं। यह कृषि यूरोप के देशों में ज्यादा प्रचलन में आई है और डेनमार्क इस कृषि से डेनमार्क में यह सबसे ज्यादा सफल हुई है सहकारी कृषि। इसका जो एरिया है आपका ये एरिया है ये, इसमें ये सहकारी कृषि की जाती है और डेनमार्क इसका सबसे सफल देश साबित हुआ है। तो इस ये थी आपकी कृषि। इसके बाद आता है आपका खनन, जो लास्ट एक्टिविटी बच गई आपकी प्राथमिक क्रियाकलाप में। माइनिंग जिसको आप बोलते हैं, खनन से क्या अभिप्राय है कि पृथ्वी की सतह से या धरातलों के अंदर से, भूगर्भ के अंदर से पृथ्वी की सतह या भूगर्भ के अंदर से खनिज निकालने की प्रक्रिया, खनन कहलाती है। पृथ्वी सतह या भूगर्भ के अंदर से खनिज, खनिज क्या होते हैं, वे मूल्यवान पदार्थ जो हमारे को प्रकृति से मिले हैं और हमारे लिए लाभदायक उपयोगी साबित कर सकते हैं उसको आप खनिज कहते हैं। तो उन खनिजों को पृथ्वी के अंदर से निकालने की या पृथ्वी के धरातल के ऊपर से निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो आपका ये एक प्रकार से मेन मेन जो टॉपिक है आपके वो हो चुके हैं और ये लेसन आपका फाइव प्राथमिक क्रियाकलाप कंप्लीट हो चुका है। फिर भी जो प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर समझा सकता हूँ। तो अब ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो बेटा आप इसको ध्यान से देखें, बार बार इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और इसको लाइक एंड शेयर भी करें ताकि और भी कोई आप जैसा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।